किसी और जगह ला दो, हमीरपुर शहर के बीच में क्योंकि इसको जांच स्पेस तो चाहिए, इसको कहीं भी आवेदन हमें लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ आना चाहिए, लेकिन वो रिपोर्ट भी नहीं थी। आपके सामने मशीन चलेगी, आप देखिएगा पॉल्यूशन की स्टीम निकलेगी, थोड़ा सा हार्डली 5-6 फुट के बाद वो खत्म हो जाती है, पॉल्यूशन जो है ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा, स्टीम निकलेगी? हाँ, स्टीम निकलेगी। अभी आपके सामने सारी टेक्निक आपको पता लगेगा और प्रशासन सब आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो अब ये जो शहर का कचरे की साइड ऊपर मशीन जो है वहीं पे लगा दी जाए, छोटा सा एरिया, ज़्यादा बड़ा नहीं, वहीं पे बर्न कर दिया जाता है। मनोज कुमार मेरा नाम है सर, मैं उप प्रधान ग्राम पंचायत ज्योति से हूँ। और जो ये कचरा जलाने के आज नगर परिषद ने मशीन यहाँ पर लगाई, तो हम सभी गांववासी पूरी समस्त पंचायत इसका विरोध करती है, यहाँ पर ये ना लगाई जाए। इससे पहले जो भी मशीनें यहाँ पर लगी हैं वो आज तक जो बिल्कुल फेल ही हुई हैं, कोई भी कामयाब नहीं हुई। और इससे तो हमारी पंचायत तो दूषित तो हुई हुई है लगभग, इसको इस कठिनाई को हम 15 साल से झेल रहे हैं। लेकिन जो हमारी नीचे पंचायतें 12 पंचायतें और आती हैं इसमें, वो भी इससे जो पीने की सप्लाई है उनकी सारी बाधित तो हो गई है, तो इससे और भी ज़्यादा बीमारी फैलने का खतरा हमारे को ज़्यादा पैदा हो गया है। और हम जो नियर बाई जो हमारे गाँव हैं उनके लिए तो बड़ी मुश्किल है, यहाँ कठिनाई बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम ये चाहते हैं सर कि ये डंपिंग साइट या किसी और जगह पर चेंज की जाए, कहीं और स्थान ढूंढा जाए, ताकि हमारी पूरी पंचायत का से बचाव हो सके। हाँ जी, मेरा नाम रीता शास्त्री, विलेज दुगनेड़ी। मैम, ये जो डेमोस्ट्रेशन आज हो रही है, हाँ जी जी, आपने विरोध करे, इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि मशीनरी तो ला के आप सेटल कर देते हो, लेकिन आज तक आपकी मशीनरी कितनी सक्सेस हो पाई है, सबसे पहले तो एडमिनिस्ट्रेशन ये देखे। 4-4 मशीनें ऑलरेडी है, ये मशीन बढ़िया है, वो मशीन बढ़िया है, लेकिन वर्कर इनके पास कोई भी नहीं है, जो टेक्निकल बंदा है वो इनके पास कोई नहीं होता है। तो हमें नहीं समझ में आता है कि क्यों गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, क्यों एडमिनिस्ट्रेशन पैसा खर्च कर रहा है, जब तक इनके पास कोई टेक्निकल बंदा नहीं है। तो ला के यहाँ पर वही है कि गवर्नमेंट के पैसे को डंप करी जा रहे हैं और वेस्टेज ऑफ मनी है ये भी। मैं इस बुजुरी पंचायत का वासी हूँ और हम लोग यहाँ पे आज बुजुरी पंचायत के जितने भी लोग थे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन एक मशीनरी ला रहा है जो कि ये बोले जैसे कि यह कचरा वगैरह है उसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन हमें इस चीज़ का सभी को ऑब्जेक्शन है, ये चीज़ यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, लेकिन विभाग बोल रहा है कि ये डेमोस्ट्रेशन यहाँ पे इसकी करेंगे और इसको इंस्टॉल यहाँ पे नहीं करेंगे। और आप लोगों को पहले ही पता है कि इस ट्रीटमेंट की प्लांट की वजह से कितनी समस्या यहाँ पे हो रही है, इससे पहले भी आपको कुछ दिखाया ही था, जितना भी वो डायरिया वगैरह आजकल फैला हुआ है वो ड्यू टू क्या है कि ये मेन जड़ यहीं से ही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं लगने चाहिए, और हमारा तो ये मानना है कि यहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट भी उठाया जाए ताकि यहाँ पे बजूरी पंचायत के लोगों को राहत की सांस मिले, नहीं तो यहाँ पे समस्या ही समस्या है, बहुत ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, डायरिया फैला हुआ है। हमें जो भेजी हुई है ये सरकार द्वारा कि कंट्री में हमारे मीटर में पहली मशीन आई है जिसमें हमने इसमें जो डेमो दिया जा रहा है कि जो शहर का गीला या सूखा कूड़ा जो भी आएगा वो इसमें डिस्पोज हो जाया करेगा। लगभग इसमें कोई 250 किलो की कैपेसिटी है डिस्पोज करने की, तो 1 घंटे 250 किलो की कैपेसिटी है, तो उसमें हम देखना चाहते हैं कि कैसे काम कर रही है और करती है। लोग विरोध भी जता रहे हैं। अभी देखो सर, इसका हम लोग विरोध तो जता रहे हैं, इसका हमने इंस्टॉल करने के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया, पहले तो इसका हम डेमो लेंगे, फिर हम लोगों की राय लेंगे कि ये लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, उन लोगों को बुलाया गया, उनके सामने जो भी काम होगा उनके सामने होगा। मोहित भारती, यही पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रीजनल ऑफिस होना। आज हमें मीडिया के माध्यम से जो प्रोजेक्ट DRD हैं उनके माध्यम से ये चिट्ठी आई थी कि ये कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं MC में, जिसमें इंसिनरेटर की तरह जो गार्बेज डिस्पोजल फैसिलिटी है, तो उसका उन्होंने कहा था कि एक बार चंडीगढ़ जो पोल्यूशन टेस्टिंग लेबोरेटरी है उनके साथ मिलके दोनों जो है एक बार नॉर्म्स चेक कर लें, सैम्पलिंग करें, और उसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट जो है मतलब उसके जो नॉर्म्स हैं डिस्चार्ज स्टैंडर्ड अगर क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद फिर आगामी कार्रवाई करेगी। सर, आपके हिसाब से
देखिए जैसे आप देख सकते हैं ये लीगेसी साइट जो है ये डेवलप हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी सालों से यहीं पे ये जो है कचरा जो है यहाँ जाके डंप किया जा रहा है। तो उस हिसाब से तो अगर ये मतलब अभी हमें भी इसका नहीं है, हमने भी इंसिनरेटर जहाँ पे ज़्यादा सैनिटरी वेस्ट या बायोमेडिकल वेस्ट की मतलब डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ये मतलब ये इसको प्लास्टिक वेस्ट या सारा ही इसमें ये जो प्रपोज कर रहे हैं तो पोल्यूशन टेस्टिंग के बाद ही पता होगा कि कितना कारगर है। सर ये जो मशीन है जितने भी गार्बेज होता है डेली का जो गार्बेज है उसको ये बर्न कर देती है। इंसिनेटर है वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से बैन है क्योंकि पोल्यूशन करते हैं, लेकिन हमने पोल्यूशन के ऊपर ही काम किया है। पोल्यूशन के पहले भी हम टेस्ट रिपोर्ट्स कर चुके हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, तो जो टेस्ट रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड से भी बहुत कम है। तो आज उसी चीज़ की टेस्टिंग हो रही है और यहाँ पे हम डेमोंस्ट्रेशन दे रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहाँ पे आए हुए हैं, वो यहाँ से सैंपल कलेक्ट करके लेके जाएंगे, देन वो अपनी रिपोर्ट्स देंगे अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्टर को कि जिन्होंने ये हमें परमिशन दी यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन के लिए। सर बेनिफिट ये है, ये बेनिफिट मिलेगा कि जितना भी गार्बेज होगा, जितना भी आपका मार्केट का गार्बेज है, वो डेली का डेली बर्न हो जाएगा कि, और उससे ये होगा कि आपको कहीं भी डंपिंग साइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपका डेली बर्न हो गया वो ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो ऐश आपकी ब्लॉक्स बनाने में भी यूज़ होती है, ऐश आपकी रोड्स में भी यूज़ होती है। किया गया है इसका डेमोंस्ट्रेशन।